आज सूरज निकलने में इतनी देरी क्यों हो रही है? अरे राधा, आज तुम इतनी जल्दी उठकर क्या कर रही हो? आज दूध मैं लूंगी। हाँ, दूध? और तुम लोगी? हाँ। तो सो जा भी। जानती है, सुबह का इंतजार करते करते मैं सारी रात सोई नहीं। अच्छा, अब समझी। आज कहीं दूध लेकर वो आने वाला है क्या? ओ बिंदिया, इसे कहते हैं प्रेम रोग। चल हट। वो आ गया। तू उठा नहीं है? मैं कह देती हूँ, सो जा। हाँ हाँ, बिल्कुल नहीं उठूंगी। चाय भी तुम ही बना के लाना। मालकिन जो ठहरी। नमस्ते जी। तुमने आने में इतनी देर क्यों की? मैंने आने में देर नहीं की जी, वो तो सूरज ने ही निकलने में देर कर दी। मैं तो सारी रात सवेरे का इंतजार कर रहा था। सच? जी हाँ। मेरा भी तो यही हाल था। मैं सारी रात कहाँ सो पाई? दूध लेंगी ना? हाँ। तो मालकिन जी, नमस्ते जी। ये सब क्या हो रहा है? दोनों के बर्तन खाली और दूध की गंगा बह रही है। जी वो इनका कोई कसूर नहीं है जी, गलती सारी मेरी है। मगर अब हम चाय कहाँ से पियेंगे? मैं लाए जी चाय। नहीं, दूध। देखिए, आप इन्हें डांटिएगा मत। ठीक है, जल्दी जाओ और दूध लेके आओ। जी बस गया और आया। राधा, ये दूध जाया नहीं गया। तुम दोनों की प्रेम कहानी कितनी गहरी है, आज इस दूध ने बता दिया। अरे राधा जी, आप यहाँ? मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही हूँ। तुम फिर दूध देने क्यों नहीं आए कल? वो क्या है ना जी, कल माँ ने बहुत जरूरी काम से बाहर भेज दिया था मुझे। अरे तुम्हारी आंखें तो लाल हैं। वो तो कल रात में सोया नहीं ना। जो हाल मेरा वही हाल इसका भी। दूध? हाँ। दूध की तरफ ध्यान देना, कहीं जमीन पे नहीं गिराना। बर्तन भर गया है। अच्छा मैं चलता हूँ। आज इतनी जल्दी है क्या? आज मुझे घर जल्दी से पहुँचना है, मेरी गंगा को बच्चा होने वाला है ना। बच्चा होने वाला है? हाँ, कल रात उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए तो मैं रात में सोया नहीं। क्या? पहला बच्चा होता है ना तो बड़ी परेशानी होती है जी। तो क्या ये शादीशुदा है? अच्छा मैं चलता हूँ। अरे अरे, जरा संभल के जाइएगा, थोड़ा सा भी दूध गिरा ना तो मालकिन की डांट पड़ेगी। क्या हुआ? श्याम जी दूध देकर जल्दी चले गए क्या? ना मत लो उसको की बात का। दादा जी। अरे आप यहाँ पर बैठी हुई हैं? कहाँ तो नहीं ढूंढा मैंने आपको। आप क्या लेने आए हो यहाँ? जी आपको ये मिठाई का डब्बा देने आया हूँ। जानती है, गंगा माँ बन गई है, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, बनने की खुशी तो होती होगी ना। अब गंगा का बच्चा मेरा ही बच्चा तो हुआ ना। लीजिए मिठाई खाइए। जब गंगा से प्यार करते थे तो
तो मुझे धोखा देने की क्या जरूरत थी? गंगा ही नहीं जी, मैं तो यशोदा, तुलसी, जानकी, जमुना सभी से प्यार करता हूँ। और जानती है आप, वो सब भी मेरी बांसुरी की उतनी दीवानी है जितनी आप। अब ये बांसुरी मैं तुम्हारे पास नहीं लेने दूंगी, ना ही तुम इसे बजा सको और न किसी को धोखा दे सको। अरे ये क्या कर रही है आप, अगर मैंने बांसुरी नहीं बजाई तो यशोदा, तुलसी, जानकी कोई दूध नहीं देगी। दूध? किसकी बात कर रहे हो तुम? अपनी गायों की। आप क्या समझी? तुम रुक क्यों गए? बजाओ ना। मैं बजाता कब था, मैं तो तुम्हें पुकारता था। तुम आ गई, अब बजाने की जरूरत नहीं। अच्छा, तुम जब भी बांसुरी बजाते हो तो ऐसा लगता है जैसे हवा के पन्नों पर तुम्हारी बांसुरी की सुर मुझे प्रेम पत्र लिख रहे हो, और प्रेम पत्र का एक एक लफ्ज मुझे अपनी तरफ खींच रहा हो, बुला रहा हो, जैसे जैसे कह रहा हो जाओ, जाके मिलो अपने श्याम से। बाप रे, मर गई। श्याम, हाथ मत लगाओ मुझे। नाराज हो? लेकिन तुम मेरी मजबूरी क्या जानो? मजबूर तो हम भी थे, माँ ने तो उस बंगले की तरफ जाने से ही मना किया था, लेकिन हम दीवानों की तरह आपको एक नजर देखने के लिए हर रोज सुबह दूध लेकर आते रहे। और आज, आज जब मैंने माँ से वादा किया आपको मिलाने का, तो आप ओहो, अब माफ भी कर दो ना। छोड़िए छोड़िए, अगर आपको मेरी परवाह नहीं ना तो मुझे भी आपकी कोई परवाह नहीं। अच्छा, बिल्कुल। जल्दी भागो, मधुमक्खियां काट लेंगी। भागो। चलो इस कंबल में छुप जाए। ये क्या क्या तुमने? अगर मधुमक्खियां तुम्हें डंक मारती तो? तुमने तो कहा था कि तुम्हें मेरी परवाह नहीं। अच्छा? ऐसे क्या देख रहे हो? तुम उस जंगली भीलनी की मूर्ति जैसी लग रही हो। भीलनी? ये भिल्ली नहीं, पार्वती जी। तुम्हें कैसे मालूम? अरे बाबा, साथ में शंकर जी जो हैं। ओ, तुम्हें मालूम है पार्वती जी ने भिल्ली का रूप क्यों धारण किया? हाँ, दोनों बारिश में हमारी तरफ भीगे होंगे और इसी गुफा में आकर छिपे होंगे। अरे नहीं, उन्होंने तो प्रेम के कारण किया था। प्रेम के कारण? शंकर थे फक्कड़ और पार्वती, पार्वती पर्वतराज की बेटी, उनके पिता को ये रिश्ता मंजूर नहीं था, और उन्होंने शिवजी का बहुत अपमान किया। पार्वती को लगा कि अगर वो अपने असली रूप में गई तो शिवजी उन्हें भस्म कर देंगे, इसलिए उन्होंने अपना भेष बदलकर भेलने का रूप धारण किया। जिससे प्यार किया उसी से झूठ बोला, ये तो धोखा हुआ। बहादुर सिंह, तुम अंदर जाओ। नहीं, पहले तुम अंदर जाओ। मैं कहता हूँ तुम अंदर जाओ। मैं कहता हूँ तुम अंदर जाओ। जल्दी जाग बुझा दो। क्यों? ठीक है, दोनों चलते हैं। ठीक है, खबरदार। खबरदार। थैंक यू भगवान।
ये क्या तमाशा है? तुमने उन्हें बताया क्यों नहीं कि तुम यहाँ हो? अगर वो आज तुम्हें मेरे साथ देख लेते ना तो मैं तुमसे कल्ला मिल पाती, समझे? इसीलिए मुझे अमीरों से नफरत है। समझते हैं काम करने वाले को खरीद ही लिया। आज तुम्हें घर ले जाना था मां से मिलाने के लिए और ये मुसीबत आ गई। अब ले जाऊंगा तो देरी हो जाएगी और तुम्हें वहां डांट पड़ेगी। ऐसा करो तुम अपने कपड़े बदल लो, मैं तुम्हें घर छोड़ा दूंगा। पापा, शाम को किसी तरह से यहां से भेजना होगा वरना उसे असलियत का पता चल जाएगा। श्याम अब तुम जाओ। हाँ क्यों, किसी का डर है क्या? डर की बात नहीं, किसी ने देख लिया तो क्या समझेंगे? यही ना कि घर की नौकरानी किसी लड़के से मिलने गई थी। क्या किसी नौकरानी को प्यार करने का हक नहीं? श्याम नौकरी करने का ये मतलब नहीं कि हाथ के साथ साथ दिल पर भी हुकूमत हो उनकी। सरकार सरकार बेबी आ गई, अब तुम चल जाओ। हाँ ठीक है। लेकिन राधा। पापा पापा थोड़ी और देर करती तो यहाँ लोगों की लाशें बिछ जाती। कहाँ गई थी? पापा मैं बाहर की खुली हवा में घूमने गई थी। वो भी अकेली, खानदानी उसूलों को भूल गई। और ये क्या हुलिया बना रखा है तुमने? किस तरह के कपड़े हैं ये? आजादी का मतलब मनमानी नहीं होता बेटी। ये कौन है? पापा पापा ये ना होते तो मैं घर ना पहुंच पाती। कंबल देके बचाया है इन्होंने मुझे। कंबल? हाँ वो मधुमक्खी पीछे पड़ गई थी ना पापा मेरे। मधुमक्खी? तुम्हें काटा तो नहीं बेटे? मधुमक्खियां उतनी जहरीली नहीं होती ठाकुर साहब जितने कि इंसान होते हैं। शहद दिखाकर किसी को करीब लाते हैं और फिर डंक मारते हैं। बहुत खूब, इतनी कम उम्र में बहुत तजुर्बा पा लिया है तुमने, मगर हमारी बेटी ने बाहर की दुनिया देखी नहीं है। फूलों के सेज पर रखा है हमने इसे, कांटों पे पांव रखने से कांटे चुभते हैं ये इसे पता नहीं। मगर जो कुछ भी तुमने आज किया है इनाम के हकदार हो तुम। ये लो। नहीं ठाकुर साहब, हमारे यहां के पत्थर भी इतने मेहमान नवाज हैं कि आपकी ठोकर खा लेंगे फिर भी अपना पानी देकर आपकी प्यास जरूर बुझाएंगे। मगर वही प्यास बुझाने वाला पत्थर अगर रास्ते की रुकावट बन जाए तो उसे ठोकर मारकर हटाना पड़ता है। खैर मैं तुम्हारे एहसानों के बोझ के तले दबना नहीं चाहता। रख लो ये रुपए। मैंने कोई एहसान नहीं किया ठाकुर साहब, मैंने तो सिर्फ इंसानियत जताई थी और इंसानियत की मैं कोई कीमत नहीं लेता। हाँ इन रुपयों से इनके लिए एक कंबल जरूर खरीद दीजिएगा ताकि फिर कभी मधुमक्खियां सताएं तो काम आएगा।